फॉलोइंग के डर से शायद से आपको बाहर निकाला गया है, व्हाट यू हैव टू से? अल्लाह बेहतर जाने, और ऑल ऑफ अ सडन एविक्शन हुआ, मैं भी प्रिपेयर्ड नहीं था। खैर जो भी होता है उसमें अल्लाह की मर्जी थी, मैं यही सोचा, और मैंने अपना लेवल बेस्ट किया और वो टास्क भी जो परफॉर्म किया था जिसके वजह से मुझे बाहर निकाला गया। मुझे भी नहीं लग रहा है कि मैं वो टास्क में हारा था। अदनान क्या लगता है, जिस तरीके से इतने कम टाइम में आप बिग बॉस से बाहर आए, क्या इतने ही टाइम के लिए आपको अंदर लिया गया था या फिर क्या, किस लिए आप अंदर गए थे? ऑडियंस जानना चाहती है। क्योंकि सबको यही लग रहा है कि शायद से व्यूअरशिप के लिए सिर्फ आपको लिया गया था। देखो अल्लाह बेहतर जाने, वापस से मैं यही बोल रहा हूँ, मैं कुछ भी चीज़ें जानता नहीं हूँ बैकएंड पे क्या क्या चीज़ें चल रही थी, पर हाँ एविक्शन बहुत ही ज़्यादा अनफेयर लगा मेरे को। पर जो भी जर्नी रही है बहुत ही कम टाइम के लिए गया, और जब मैं निकला तो थोड़ा सा सैड था, पर घर आने के बाद जब मैं लोगों का प्यार देख रहा हूँ, स्क्रोल कर रहा हूँ इंस्टाग्राम, तो लोग कितना ज़्यादा प्यार किए और सपोर्ट किए पूरे इस सीजन में, मुझे नहीं लगता इतने कम टाइम में कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट थ्रो किया था और लोग उसको इतना पसंद कर रहे थे, तो तब मुझे लगा कि ट्रॉफी नहीं आई नहीं आई, पर लोगों के दिल में जगह बनी वो ज्यादा मैटर करता है। अदनान आप मुनावर फारूकी जैसे इतने बड़े स्टार बन चुके, कैसा लग रहा है आपको? मुनावर ने अभी एक स्टोरी भी डाला है और फिर डालते हुए आप क्या क्या कहना चाहेंगे? आप मुनावर फारूकी जैसा जो स्टारडम उनका था उसी तरह का स्टारडम अभी आपका हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं है, देखो सब अपनी अपनी जगह है, मुनावर अपनी जगह है, मैं अपनी जगह हूँ, सबकी एक अलग पर्सनैलिटी होती है, और मैं हमेशा से ग्रेटफुल रहा हूँ और अल्लाह का शुक्र किया हूँ, और ये सब मुझे लगता है कि जितना शुक्र करूँ उतना कम है। अदनान जैसे कि आपकी एंट्री जैसे हुई बिग बॉस हाउस में, जिस तरीके से दिखाया गया, जिस तरीके से आपका गेम रहा, वैसा ऑडियंस को कुछ नहीं दिखा, जहां तक हम ऑडियंस अगर देखें अदनान की गेम प्लान करें। आपके फ्रेंड भी आए थे स्टेज पर, बहुत कुछ एल्विश के साथ में बातें किए, आपको लेकर काफी ज्यादा पॉइंट रखा, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं बातों में ही लड़ाई छिड़ती हुई नजर आए, बट आपका गेम प्लान में उतना दम नहीं दिखा जितना बाहर दिखाते रहे हो एल्विस के थ्रू की चूड़ियां हो गई, लाल चूड़ियां हो गई, बट अंदर नहीं दिखा। हाँ, ये से आपको लगता है कि नहीं दिखा, बाकी सबको तो बराबर दिखा, क्योंकि अंदर जाने के बाद बहुत सारी चीजें आप नहीं देख पाए, जैसे कि कटारिया बहुत चीजें सामने से कर रहा था, जैसे कि अच्छी चीजें, एज इन वो बंदा पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा है। जैसे कि मैं दोपहर में खाली रोटी लोग बना रहे थे, तो मैं बोला यार खाली रोटी से मेरा पेट नहीं भरता है, तो वो अपने लिए राइस बना रहा था, तो वो बोलता है ले इसमें से ले लियो, उसके बाद में नींबू पानी बना के ला रहा है, नींबू पानी मेरे हाथ में ग्लास दे रहा है, तो वो जब सामने से एफर्ट दिखा रहा है दोस्ती का, तो मैं भी एक इंसान हूँ, जब मैं देख रहा हूँ कि सामने से कोई लड़का अच्छे से मिलने की कोशिश कर रहा है, बात करने की कोशिश कर रहा है, तो मेरे को नहीं लगा अननेसेसरी मैं पंगे लूँ। ये शो के लिए मैं बहुत ज़्यादा रियल था, बाहर जो पॉइंट रख के गया था वो अंदर जाके मैंने मुँह पे बोला, और हाँ जब उसने पोक किया तब मैंने जिस तरीके से उसने पोक किया उसका जवाब उस तरीके से दिया। आपको तो बीच में ऐसे लगता है आपको कि जिस तरीके से मैं बोलता था वैसे मैंने नहीं किया, ये ऐसे आपको लगता है, नहीं तो मेरे बाकी सब दोस्त लोग को तो बराबर लगता है कि बट अदनान जहाँ हमने फाइट देखा आपका और कटारिया का, आपने पहले पुश किया था कटारिया को, देन दोनों का बातों में बात सॉल्व हो गई, बट कहीं ना कहीं हमें एज अ ऑडियंस जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे आपसे या दोनों साइड से, वो कहीं ना कहीं नहीं दिखा हमें। एक आप ही अलग ऑडियंस हो खाली, इतने सारे लोग है किसी को नहीं दिख रहा है कि सामने से कौन धक्का दिया, सिर्फ तुमको दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अदनान अरमान के बारे में काफी लोग कह रहे हैं कि वो विलन है, सना ने भी कहा है वो घर के विलन है, आप घर में जाके उनसे पर्सनली मिले हैं, बातचीत हुई है, काफी चीजें हुई है, आपको क्या लगता है उनका पर्सनालिटी क्या है? क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ कंटेंट अरमान ही दे रहा है। एग्जैक्टली exactly. मैं भी मानता हूँ आपसे, आपकी ये बात से मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि कंटेंट दे रहा है तो हाँ, क्या वो रियल है तो नहीं, तो कंटेंट देने के हिसाब से वो 10 मिनट पहले आके बहुत अच्छे से बात कर रहा है, और ऑल ऑफ अ सडन 10 मिनट बाद कोई भी एक सिली टॉपिक मिल रही है तो उसको मुद्दा बना के उस पर लड़ रहा है, जो एक्चुअल समझ रहे, मतलब एक दिन में 5-7 ऐसे इंसिडेंट करो जिसमें से कुछ ना कुछ में तो दिख गया होगा, तो ये सब प्लानिंग प्लॉटिंग मेरे को आती नहीं है, मैं एकदम रियल था, मैं अननेसेसरी पंगे नहीं लिया। हाँ, कोई अगर पंगे लिया है तो चाहे वो अरमान हो, कटारिया हो, या साई केतन मेरा जो दोस्त था उससे भी हो, मैं किसी से भी ढंसा नहीं हूँ, सबको जैसा जो मेरे से भिड़ा उसको वैसा जवाब दिया। कटारिया को आप कितना दोस्त बना पाए हैं? देखो बाहर निकलते निकलते भी मैंने सबसे मिला, सबसे हंस खेल के मिला, और मैं बोला जो भी था गेम तक किसी को बुरी लगी हुई हो सॉरी, क्योंकि गेम था एट द एंड, कभी कभी एक ही ग्रुप में थे, एक ही टीम में थे, कभी अगेंस्ट थे, तो ये गेम का सिलसिला था, एज अ पर्सन ना वो मुझे जानता था ना मैं उससे जानता था,
तो जो भी एक दूसरे को लेके परसेप्शन थे वो शायद चेंज हो गए। मेरे भी उसको लेके जो थे कि वो सामने से बहुत ज़्यादा उंगली करने वाला रहेगा, झगड़े करेगा, आके पंगे लेगा, वो भी चेंज हुआ। विशाल ने आपके ऊपर कैंसिलेशन का वो जो लगाया था अदनान, काफी देखा गया है कि आपको उस वक्त के लिए बुरा लगा भी था और आपने बोला था कि ये एक्सपेक्ट किया था मैंने। हाँ। क्या कहना चाहोगे? देखो वो मैं जहां तक का जानता हूँ मुझे पता था कि वो गेम के हिसाब से सोच रहा है और अभी ऑल ऑफ अ सडन वो इतने टाइम से उसके साथ रह रहा है और मैं आ जाऊंगा तो लोगों को उसको लग रहा था कि गलत दिख के आएगा, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को उस चीज़ से, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट जैसा मैं उसको दोस्त पहले मानता था वो आज भी मानता हूँ और आगे भी मानूंगा। उसके लिए इज्जत जो पहले थी वो आगे भी इंशाल्लाह वैसी ही रहेगी। इवन एलबीश यादव ने भी काफी कुछ कहा था आपके बारे में कि आपको मेंटलिटी प्रॉब्लम है, बिग बॉस की क्वालिटी नहीं है बिग बॉस के घर पे जाने की, तो इस पे आपका? हाँ, मेंटली प्रॉब्लम है, बहुत हटेला हूँ मैं, वो सेम शो में सेम सीजन में होता तो पता चलता था उसको भी, ये तो सच बोल रहा है। पर हाँ मैं क्रिमिनल तो नहीं हूँ, फालतू के मेरे को ईडी की रेट तो नहीं पड़ रही है, ना ही मेरे को स्नेक वेनम वाला केस वेस में ऐसे कुछ चीजों में इन्वॉल्व हूँ, ना ही मैं कोई गमला छोड़ू। तो वो फ्लो में हो गया मेरे से चीजें, उसके लिए मेरे को बाद में रियलाइज हुआ वो टीवी पे बहुत ज्यादा गलत दिख के आया, तो उसके लिए मैं सॉरी हूँ। चंद्रिका को मैंने सॉरी भी बोला, अगर वो ये देख रही होगी तो उसको मैं वापस से एक बार सॉरी कहना चाहता हूँ। किसे आप दोस्त बनाना चाहोगे और किसे दुश्मनी रखना चाहोगे? दुश्मनी मैं किसी से नहीं रखना चाहूंगा, दोस्त आप बोलोगे तो जो भी आके मेरे से मिलेगा मैं सबसे दोस्ती करूंगा। हाँ एक दोस्ती तो बन गई है बहुत ही अच्छी जो है नेजी से, पर नेजी का आपने जिस तरह से कहा था कि भाई आप वैसे नहीं दिख रहे जैसे हमने देखा था आपको, व्हाट इज द रीजन? क्या उन्होंने आपसे बताया कि वो क्यों इतने काम डाउन हो गए और लोग उनका गेम देखना चाहते हैं? वो एक अलग ही जोन में आ गया था, उसका जो एनवायरनमेंट था हिप हॉप कल्चर और जैसे भी वो लोगों से सराउंड रहता था वहाँ पे एकदम ही कम्प्लीटली अलग अलग दुनिया से लोग हैं वहाँ पे, तो उसका वाइब और ट्रेनिंग मैच नहीं हो रही थी। जब मैं पहुँचा धरावी का और वो कुर्ला तो आस पड़ोस वाले एक कनेक्ट किए हम लोग और उसको बहुत मज़ा आ रहा था मेरे साथ। तो अभी ओपन अप हो रहा है और मैं चाहता हूँ कि वो और खुले और अपना खुल गया है। मैंने ये दो सजेशन दिया उसको कि बारीक बारीक गलतियां मत देना, दूसरा टास्क अपना 100% देना, बाकी तू बंदा बहुत ज़्यादा रियल है और जेन्युइन है, तेरे को बहुत ज़्यादा लोग पसंद करेंगे और मैं चाहता हूँ कि वो जीते। जितने भी लोग देख रहे हैं ये वीडियो, जो भी मुझे सपोर्ट करते हैं और प्यार करते हैं, मैं चाहता हूँ कि सब नेजी को प्यार और सपोर्ट करें। कटारिया के नाक पे एक बैंड लगा हुआ था तो बाहर लोग सो कर रहे हैं कि लड़ाई हुई आपकी? नहीं, इतना छोटा था, थोड़ी देर लगेगा मेरे से लड़ेगा तो। भाई आप ये बोले अनिल कपूर जी की होस्टिंग को लेकर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है अभी सलमान जी अगर होस्ट होते तो क्या रिएक्शन होता जो अभी तक चल रहा है अरमान को लेकर, कटारिया को लेकर? देखो अगर सलमान सर होते तो वो मुझे लगता है कि मैं शो में भी होता था, और अरमान जिस दिन ये हरकत किया मतलब विशाल पे हाथ छोड़ा उसी दिन घर के बाहर भी होता था, तो थोड़ा सा फर्क तो रहता है भाई होते तो। कहीं ना कहीं नाराज है भाई नाराज ऐसे देखो मेरे में नाराज अगर पूछेंगे ना तो नाराज मैं उस वजह से हूँ जब मेरे को मेरे काम पे मेरे प्रोफेशन पे बोला गया 30 सेकंड बोल के 30 सेकंड के कंटेंट ये तुम्हारी रील नहीं है, तो ठीक है मुझे प्राउड है मुझे फकर है कि मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं 10 जन के कनेक्ट होने के बाद मैं इस मुकाम पे नहीं आया हूँ, मैं फोन से आया हूँ इस मुकाम पे और लोगों के प्यार ने मुझे बनाया है और वही 30 सेकंड का कंटेंट बनाने के वजह से आपकी टीम ने मेरे हम लोग को रीच आउट किया है और मैं फिर शो पे आया हूँ। ठीक है आप ही मेरे फॉलोअर्स और मेरे बारे में बता रहे थे मेरी एंट्री पे, तो मुझे फ़ख्र है मैं जो भी काम करता हूँ मुझे फ़ख्र है और बोलने वाले तो बोलते हैं। लेकिन आपको लगता है डिसीजन लिया सही लिया क्या गलत लिया आप क्या मानते हैं? किस चीज़ का डिसीजन? जो सलमान और अनिल कपूर की बात करते हैं उसमें आपने बताया ना कि सलमान रहते तो डिसीजन सही लेता, लेकिन अनिल कपूर ने लिया वो गलत लिया कैसे? नहीं नहीं एक सेकंड आप गलत सवाल पूछ रहे हो, ना सलमान ने डिसीजन लिया ना अनिल कपूर ने लिया, ये इंटरनल अंदर की बात है, आप गलत मत पूछिए प्लीज। अदनान ये जानना चाहेंगे अरमान मलिक पर यू नो आज हम देख रहे हैं उनका एक वीडियो वायरल हुआ था और वो कहीं ना कहीं वल्गैरिटी प्रूव कर रहा है, सबको ऐसे लग रहा था, बट आज उसके ऊपर केस भी हुआ और जियो सिनेमा ने उसके ऊपर स्टेटमेंट दिया है, व्हाट यू हैव टू से? जब आप अंदर गए थे तो कृतिका और अरमान के बारे में कितना आपने क्लोजली देखा उन्हें कि वो वल्गैरिटी? नहीं देखा मैंने ऐसा कुछ, मैं तो ऐसा कुछ देखा नहीं, मतलब
किस बारे में बात कर रहे हो, सच्ची में नहीं पता मुझे। प्लीज ये सारी चीजों के बारे में आप प्रेफर कीजिए और लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस प्लीज पूछ लीजिए। क्या लगता है आप क्या बताना चाहेंगे कि इतने सारे अंदर है, बाहर आने के बाद किससे दोस्ती रखेंगे और किससे नहीं रखेंगे? तो मैं वापस से बोल रहा हूँ, इससे पहले भी मैंने सेम चीज बोला, मेरे दिल में किसी के लिए भी कुछ भी नहीं है। जो भी आके मिलेगा, जो भी दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा, मैं उससे मिलूंगा। जिसको नहीं मिलना है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या लगता है आपको कौन विनर हो सकता है? तीन जन, सना मकबूल, नेजी या विशाल। और मैं चाहता हूँ या तो नेजी होए या तो विशाल, पर मैं चाहता हूँ मेरी जो फैंडम है, जो मेरी सोशल मीडिया पे चाहने वाली जो जनता है, मैं चाहता हूँ वो सब नेजी को सपोर्ट करें। अगर कटारिया हो गया तो खुश हो गया या दुख हो गया? कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो सबकी अपनी पसंद होती है। अभी आप बोलोगे कि किसको जीतना देखते चाहोगे, जैसे कि आपके घर में दो मेंबर्स है, तो आप क्या बोलोगे? कोई भी जीत रहा है, अपने वाला ही जीत रहा है। तो मैं पर्सनली जो जितना भी टाइम स्पेंड किया पटारिया के भी साथ, तो वो भी जीता तो अच्छी चीज़ है, कोई गलत बात नहीं है। मगर हाँ, मेरा जो हिसाब से बॉन्ड रहा है और नेजी जो हिसाब से कम बैक करना चाहता है और जैसा वो प्योर और जेन्युइन बनता है, मैं चाहता हूँ कि नेजी जीते। सिस्टम हैंग करने की बात कर रहे हो आप, आपकी सोशल मीडिया स्टोरी पे हमने देखा, क्या आपका स्टेप होगा एल्विश के लिए? देखो, उसको ना जवाब दिया है फैसल ने, मेरे भाई ने, बहुत ही अच्छी तरीके से अपना क्लास, अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करते हुए उसको जवाब दिया है। पर बोलते हैं ना, कभी कभी किसको उसकी लैंग्वेज में ही जवाब देना पड़ता है। तो अभी आ गया हूँ मैं, अभी ये सब इंटरव्यू वगैरह लाइनअप थे, मेरी फैमिली को भी टाइम दूंगा, फिर मैं बहुत सारे ब्लॉग वगैरह बनाया वो मेरे ऊपर और बहुत सारी स्टोरीज वगैरह पे भी रिएक्ट किया है। तो फुर्सत में देखूंगा जाके, फिर एक बार में सब चीज़ों का टोटल लेके बैठूंगा और हफ्ते भर के अंदर आपको पता चल जाएगा, जवाब मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।